हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल पोर्टी पर। और हमारे आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे मेरे गांव से इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, आसमान में हल्के हल्के से बादल हैं। पिछले कल भी ठीक ठाक बारिश हुई है और आज भी सुबह मॉर्निंग में बारिश हुई है और कहीं कहीं तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो जिस कारण ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा सा हो गया है। और अभी भी देखो हवा चली हुई है अच्छे से, पर सामने जो पहाड़ है वहाँ पर अभी हल्की सी धूप है, थोड़ी देर में अब अंधेरा होने ही वाला है। बाकी भाई बारिश के बाद जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा सुहावना सा हो गया, ठंडा ठंडा सा। नहीं तो 2 दिन पहले बारिश नहीं थी तो काफ़ी ज़्यादा मौसम गर्म हो गया था, जो बारिश होने के बाद अब थोड़ी राहत मिली है गर्मी से। बाकी आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ख़ास चीज़, जो चलिए पहले वहीं चलता है जहाँ जो चीज़ बतानी है। बाकी जो खास चीज़ है वो है मेरी बाइक की नंबर प्लेट। तो एक्चुअली ऐसा था, मेरी बाइक की जो नंबर प्लेट थी पीछे वाली, वो रास्ते में गुम हो गई थी। तो मैंने शायद आपको बताया भी था, मैंने FIR कराई थी, वो वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मेरी नंबर प्लेट आ गई है। तो कैसे आई है तो उसकी सारी डिटेल मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि जो मेरी बाइक की नंबर प्लेट है वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मैंने लगवाई थी काफ़ी टाइम पहले, तो एक्चुअली वो गुम होगी पीछे वाली, कहीं रात में जाते वक्त गिर गई, मुझे पता नहीं चला। तो फिर मैंने टेम्परेरी एक नंबर प्लेट लगाई थी, आपको पता ही है, पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी है नहीं तो चलान हो जाएगा। तो मैं काफ़ी ट्राई मारी, कई जगह पर नहीं बनी, तो अब जाके बनी है और मैंने लगवा भी लिया साथ साथ में। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इसमें बनाने में भी, क्योंकि एक बार शुरू में आप करते हो अप्लाई वो तो एजेंसी से बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन अगर आपसे गुम हो जाती है फिर क्या मुश्किल आती है वो मैंने देखा है 3-4 महीनों में जो आई है। बाकी वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, चलाते रहो, लेकिन जब कहीं पकड़े जाओगे चलान होगा तब दिक्कत आएगी। बाकी आपको बता देता हूँ डिटेल कि मैंने कैसे बनाई अपनी नंबर प्लेट। तो चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बताता हूँ बाकी। हाँ जी, तो ऐसा है जी कि ये है मेरी पुरानी नंबर प्लेट, बाकी नई नंबर प्लेट तो मैंने आपको दिखा दी, वो मैंने लगवा दी है। और ये पुरानी मेरी आगे वाले की थी, ये तो सही थी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बाकी। और ये है मेरी जो गुम हो गई थी, उसके मैंने टेम्परेरी लगाई थी, तो इसी के कारण मुझे चेंज करनी पड़ गई। बाकी भाई अगर आप भी लगवाना चाहते हैं, अगर आप हिमाचल से हैं, अगर आप बाहर से हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे ख्याल ऑनलाइन जो है आपका काम हो जाएगा, चाहे हरियाणा है दिल्ली है, पर हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा समस्या है ऑनलाइन की नंबर प्लेट की। क्यों, जब आप नई बाइक लेते हैं तब तो आपको नंबर प्लेट बाइक के साथ ही मिलती है, सॉरी, और जब आप बाइक नहीं लेते हैं तो आपको तो एजेंसी से मिलती है। पर बात थी मेरी बाइक की जो है 2018 से पहले की है, तो मुझे भी अपनी हाई स्कूटी नंबर प्लेट लगवानी थी, तो उस टाइम तो लग गई आराम से क्योंकि हमारी तहसील में बनती थी। तो अब जब मैं फिर से वहाँ गया, जब गुम हो गई, तो उन्होंने पहले तो नहीं बताया कि इसके लिए FIR कॉपी चाहिए, मैं लोक मित्र के अंदर गया था, तो उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो काफ़ी देर माथा मारा उन्होंने, पर वो नहीं बनी और ना ही अप्लाई हुई। कहते पहले यहाँ बनती थी, अब चली गई है शिमला। तो फिर शिमला में उन्होंने बात की, तो 20-25 दिन तो ऐसे चले गए, तो मैं 20-25 दिन के बाद उनके पास गया, फ़ोन से कॉन्टैक्ट था उनके साथ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो कहते कर बना रहे हैं, तो बने, पैसे उन्होंने एडवांस ले लिए थे। तो फिर उसके बाद जब मैं गया 20-25 दिन, उन्होंने मना कर दिया, भाई नहीं बन रही। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उन्होंने FIR कॉपी भी मांगी थी, सिर्फ RC की कॉपी मांगी थी मुझसे एक, कि शिमला में बन जाएगी, पर नहीं बनी। फिर उसके बाद फिर मैं गया हमीरपुर में, किसी ने बताया, तो हमें एक एजेंसी है TVS की, तो आपके लिए फ़ायदे की बात है कि आपको सीधा एजेंसी में जाना है। जैसे कि मैं TVS की थी, जो TVS की जो नंबर प्लेट है वो बनती है चंडीगढ़ में, तो मेरी पुरानी थी बाइक 2018 से पहले की, क्योंकि उसी टाइम ये नंबर प्लेट शुरू हुई है हाई स्कूटी वाली। तो उनको मैंने RC वगैरह अपनी दी, फोटो जो भी कागज मांगे, एक आई उन्होंने सच, तो हमीरपुर में मैंने उनको दी RC कॉपी और FIR उन्होंने कराने के लिए कहा। तो मैंने फिर जहाँ मेरी नंबर प्लेट गुम हो गई थी, फिर वहाँ की जो चौकी है वहाँ पे मैंने FIR करवाई और उसकी कॉपी लेके
एजेंसी में जाके जमा कराई। तो ये खास बात ये है कि जब आपकी नंबर प्लेट गुम हो जाती है तो आपको उसकी FIR करवानी पड़ती है और फिर उसके बाद आप RC लेके जाएं अपनी एजेंसी में कॉपी और दोनों को जमा करवा दें अपनी एजेंसी में, तो आपकी नंबर प्लेट बन जाएगी आराम से। और मेरी एक हफ्ते में आ भी गई, तो 2-3 महीने तो ऐसे बर्बाद चले गए। 1 महीना मैंने बनवाई नहीं पहले, तो इसी से काम चलाया, फिर बाद में फिर बनाई तो 1 महीना उसमें निकल गया, और फिर कुछ ऐसे करते करते यानी कि 3 महीने लग गए मेरे नई नंबर प्लेट आने में, जो फ़िलहाल मैंने अभी मैंने लगवा दी है। तो ऐसा प्रोसेस है क्योंकि हिमाचल में अभी ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ है, होना चाहिए पर अभी हुआ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो फिलहाल अभी मेरी नंबर प्लेट लग गई है, तो हो सकता है बाकी जो एजेंसियां बाकी मॉडल जो भी होती हैं उनके लिए अलग सिस्टम होगा, लेकिन मैं TVS का बता रहा हूँ और 2018 से पहले की मेरी बाइक है। तो उसके लिए अगर आपकी बाइक अगर 2018 से पहले है तो आप सीधा एजेंसी में जाएं, वहाँ पे पहले FIR की कॉपी और RC लेके जाएं, तो वहाँ पे आपकी नंबर प्लेट बन जाएगी। तो मेन एजेंसी में जाइएगा, चाहे छोटी एजेंसी में ना उन्हें पता नहीं उसका, आप पता कर लीजिएगा, लेकिन मेन एजेंसी में जाएंगे तो बन जाएगी। और TVS की जो नंबर प्लेट है उन्होंने बताया कि वो बनती है चंडीगढ़ में, तो एक हफ्ते में मेरी आ गई थी। तो बस ये थी भाई आज की ये हमारी वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।